नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार में तकरीबन हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं आवेदन लेकर पहुंचते हैं, अपना दुखड़ा कलेक्टर साहब को सुनाते हैं। प्रशासन के आला अधिकारी उनके आवेदनों की जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप देते हैं। जाँच होती रहती है, जाँच का निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता। कॉलेज संचालक इसी जाँच अवधि में हुई देरी के कारण का भरपूर फायदा उठाते हैं और सेटिंग कर मामले को रफा दफा करने में सफल हो जाते हैं, या उस मामले को ठंडे बस्ते में डालने में सफल हो जाते हैं जो बात आला अधिकारियों के संज्ञान में नहीं होती है। ऐसा ही मामला पिछले मंगलवार को पीथमपुर के प्रयागराज नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने कलेक्टर को जनसुनवाई में स्वयं शिकायत की थी और कलेक्टर ने इस शिकायत को क्षेत्र के संबंधित अधिकारी को जांच करने के लिए सौंपा था, लेकिन आज 10 दिन बीत गए, जांच में क्या निष्कर्ष निकला अभी तक सामने नहीं आया। इस मंगलवार को धार के मांडू रोड स्थित AS नर्सिंग कॉलेज में अनियमितता के साथ साथ विगत 2 वर्षों से प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित नहीं करवाने को लेकर छात्राओं ने एक शिकायती आवेदन कलेक्टर को जनसुनवाई में सौंपा था। छात्राओं ने आरोप लगाया था कि साइन किए हुए चेकबुक, ATM कार्ड सहित कई दस्तावेज भी कॉलेज प्रशासन ने अपने पास रख लिए हैं। आपको बता दें कि इस तरह की गतिविधि में सभी निजी कॉलेज लिप्त होते हैं जो कि निजी कॉलेज होते हैं, ताकि वह छात्र छात्राओं को मिली हुई छात्रवृत्ति का पैसा खुद निकाल सके। इस शिकायत पर कलेक्टर ने SDM को जांच का जिम्मा सौंपा। वही जब मीडिया AS कॉलेज के संचालक आशीष चौहान के पास पहुंचा तो उन्होंने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। वही प्रयागराज कॉलेज के संचालक के से मीडिया ने भी बात की तो उन्होंने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सबसे बड़ा सवाल, इन कॉलेजों से संबंधित यूनिवर्सिटी ने जिन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त की है, सीट से संबंधित अलाटमेंट को जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि जिला प्रशासन इस सूचना को सार्वजनिक कर सके कि जिले में कितने कॉलेज हैं, कितने सीट हैं, ये शासन के गाइडलाइन के अनुरूप है या नहीं है, ताकि धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी के छात्र छात्राएं, उनके परिजन इन नर्सिंग कॉलेजों की सच्चाई को जान सके, ठगी से बच सके और उन बच्चों के भविष्य का साथ खिलवाड़ नहीं हो। इन आदिवासी बाहुल्य जिलों में परिजन मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अशिक्षित होने के कारण इन कॉलेज की मान्यता, शासन की गाइडलाइन, सीटों का अलाटमेंट, यह सब चीजें वे चेक नहीं कर पाते। कॉलेज संचालकों के मकड़ जाल में फंस जाते हैं और इस बीच इनमें बिचौलिए भी काम करते हैं और इन आदिवासी बच्चों का भविष्य अधर में लटका होता है। फिर इस तरह की जनसुनवाई में यदाकदा अपने बच्चे अपने समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान वहां पर भी नहीं होता। यही कॉलेज संचालक इन बच्चों को डरा धमका कर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की धमकी देकर इन्हें शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हैं। बच्चे भी डर के कारण शिकायत वापस ले लेते हैं। अगर धार जिले के जितने भी नर्सिंग कॉलेज या शिक्षा से जुड़े निजी कॉलेज है, जिन कॉलेज के छात्र छात्राओं को सरकारी स्कॉलरशिप के बल पर इन कॉलेजों में दाखिला मिलता है, उन सभी कॉलेजों की एक जांच कमेटी बनाकर शासन के मापदंडों के अनुरूप यह कॉलेज चल रहे हैं या नहीं है, छात्र छात्राओं के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध है, बिल्डिंग है या नहीं है, शिक्षकों की योग्यता, उनको दिए जाने वाले वेतन, कॉलेज से मान्यता संबंधित समस्त दस्तावेजों की जांच करने के लिए प्रशासन को एक जांच कमेटी बनाना चाहिए, ताकि धार जिले के आदिवासी बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और वह रुक जाए और क्षेत्र के बच्चों का भविष्य अंधकार में होने से बच जाए। देखें खबर SKP लाइव न्यूज पर। क्योंकि कल हम कलेक्टर ऑफिस गए थे तो मैम को पता चल गया कि हम कलेक्टर ऑफिस गए थे ऐसे, तो फिर मैम धमकी दे रहे थे कि अगर आज कॉलेज में नहीं आए तो फिर कॉलेज में मत आना और तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे करके धमकी दे रहे थे। दीपिका मैम, तृप्ति मैम और सर, हमारे साथ 2 बच्चे और थे, उन दोनों को पहले ही कॉलेज में बुला लिया और उनको डरा धमका दिया, तो अभी वो बदल गए और हम 2 बच्चे। यस, सोनू झमेले। थैंक यू सर। नहीं बोलो, बोलोगे क्या मामला? आप थाने पे आई हैं, आवेदन दिया आपने? सर, हम AS कॉलेज में पढ़ते हैं और हमारे पास है ना पासबुक बनवाई थी, उस पे है ना पासबुक भी सर और रख लिए और चेक भी सर ने रख लिए और उस पे साइन सिग्नेचर भी करवा ली है और ATM भी रख लिए सर ने और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सारे रख लिए,
हाँ सर, और एग्जाम का क्या? सर एग्जाम सर हमेशा बोलते रहते, मार्च से बोल रहे हैं कि टाइम टेबल आ गया, पर अभी तक टाइम टेबल नहीं आया। अभी 5-6 महीने हो गए सर, 5-6 महीने से ऐसे ही बोल रहे हैं कि टाइम टेबल आ गया, बस एग्जाम की तैयारी करो, यही बोलते हैं। और अभी तक टाइम टेबल का कुछ पता ही नहीं है, और अभी टीचर होन भी सही से नहीं पढ़ा रहे हैं। और आज कल मैम यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए थे हम, तो मैम बार बार कॉल कर रहे थे रात को भी, और अभी भी बार बार कॉल कर रहे थे, और बोल रहे अगर कॉलेज में 5 मिनट में नहीं आए तो हम तुमको रूम पे लेने आएंगे। मेरा नाम कृष्णा अजनारे हैं, विधि का विद्यार्थी हूँ। कुछ दिन पूर्व मुझे बच्चों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। मैं समय समय पर बच्चों की सहायता करता हूँ, और जनजाति बच्चों के लिए तो विशेषकर मैं तैयार रहता हूँ, क्योंकि जनजाति क्षेत्र में इतनी अज्ञानता है कि बच्चों को कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। तो मेरा लॉ करने का मकसद भी रहा कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं, उन लोगों को अपने अधिकार समझा सकूं, इसलिए आज मैं इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। सब निराधार है, जो शिकायत की गई है वो निराधार है। जो शिकायतकर्ता बच्चे हैं, वो दो बच्चों के मेरे पास रिटर्न में जो है ये एप्लीकेशंस आ गई हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि कृष्णा अजनारे ने उनको बहका के जो है साइन करवाई है। जिस संध्या अचाले के नाम से शिकायत की गई है, वो संध्या अचाले अभी यहाँ पर मौजूद है। आप चाहें तो उनके स्टेटमेंट ले लें, और उसकी ये एप्लीकेशन है जिसमें उसने क्लियर आरोप लगाया है कि साहब मुझे जो है मेरी अटेंडेंस कम थी, इसलिए मुझे जो है ये डर था कि मेरे को एग्जामिनेशन में बैठने की पात्रता है या नहीं है। चूँकि वो बीमार थी तो वो अपना एडमिशन इंदौर करवाना चाहती है, इसलिए वो जो है छात्र नेता के नाम पे छुपे हुए जो अपने एजेंट टाइप के लोग हैं उन लोगों के कांटेक्ट में आई, और वो लोग जो हैं उन्होंने उसको ये आश्वासन दिया कि भैया मैं यदि संस्था की झूठी शिकायत करता है और जो है दबाव बनाते हैं तो 1,00,000 रुपये मुझे मिलेंगे, 10,000 रुपये मैं आप लोगों को दूंगा, इस तरह का बच्चों ने दिया। दूसरी चीज़, चूँकि ये शिकायत झूठी है इसलिए जो है इसके खिलाफ़ हम लोगों ने कल ही पुलिस थाने में एक आवेदन दे दिया है, जिसकी तस्दीक के लिए आज थाना कोतवाली से फ़ोन आया था, और वे लोग आएंगे जो नियमानुसार होगा बयान दिए जाएंगे, परमिशन लेटर एंड समस्त चीज़ें जो है थाने पे उपलब्ध करवा दी जाएगी, और जो जांच एजेंसी होगी उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी।